हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ऑल गुड। अरे भाई देखिए, इन दिनों दिल दिमाग मूड मिजाज ना सब बढ़िया नहीं बेहतरीन हो रखा है जी। हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा और सीना चौड़ा जो कर दिया है इसरो ने, है ना। मतलब देखिए ना कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने तो ठाना था कि इस बार तो कर दिखाना है, और ये हुआ भी। हर कोई अपने अपने टीवी मोबाइल के पास हसरत भरी निगाहों से बैठा था कि कब 6:04 हो और भारत का नाम एक बार फिर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। वैसे जो भी कहिए बनारस, 2023 अगस्त का ये महीना हमेशा सबको याद रहने वाला है। चंदा मामा इज नाउ वेरी क्लोज टू अस। इस इंसिडेंट से हमें एक बहुत जरूरी चीज जो सीखने मिलती है वो पता है क्या है? वो ये है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। और दूसरी बात, ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसमें तो मुझे कामयाबी ही नहीं मिली, मैंने दिन रात मेहनत की। कोई बात नहीं, कामयाबी नहीं मिली तो क्या हुआ। और यहाँ किसी की कही हुई वो बात याद आ रही है कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। वाह क्या बात है। एग्जैक्टली, कुछ ना सही, एटलीस्ट हमें एक नया एक्सपीरियंस होगा। हम जान पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि इस काम को अगर मैंने ऐसे किया होता तो ये और बेहतर हो सकता था। चलो कोई बात नहीं, अगली दफा फिर मेहनत करेंगे और ये काम करके दिखाएंगे। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है बनारस हमारा कॉन्फिडेंस। जी हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट रुकिए, कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा जनाब। कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस कैन हार्म सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ, सो बी अवेयर। वैसे अवेयर रहने की जरूरत जो है ना, वो इस वक्त दुनिया के हर भाई को है। जी हाँ, और सिर्फ भाइयों को ही नहीं, उनकी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बहनों को भी है। भाइयों को तो बहनों की फरमाइशों से अवेयर रहने की जरूरत है, और बहनों को भाइयों की दुख भरी दास्तान। इस टाइम ना मैक्सिमम भैयाज इन द वर्ल्ड विल बी लाइक, अरे समझो इस बार थोड़ी सी दिक्कत है ना, चलो अगली बार इससे अच्छा ले लेना। देखिए ये सब बहाने होते हैं, वो अगली बार ना कभी नहीं आता, लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहने वाला मुद्दा है ये, तो छोड़िएगा मत, आपका हक है, आखिर ये रिश्ता इतना खास जो है, है ना। सच में बनारस, भाई बहन का ये खास रिश्ता जो है ना वो एकदम रियल वाला है, रियल वर्ल्ड में एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी स्वार्थ के आज भी कायम है। वैसे जब से चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचकर हम सबको गौरवान्वित किया है, तब से ना सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें माँ यानी धरती और मामा यानी चंद्रमा रक्षाबंधन मना रहे हैं। मतलब इतनी खूबसूरत तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी। बहरहाल चांद के बाद अब बारी है धधकते सूरज की। जी हाँ, सूरज पर परचम फहराने के लिए जल्द निकलने वाला है आदित्य L1, जो सूर्य के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। ये लॉन्च होने के बाद करीब 4 महीने बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 बिंदु पर पहुंचेगा। वाह क्या बात है बनारस, नाउ वी कैन प्राउडली से दैट हमारा देश वाकई बदल रहा है। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी में रियानी सना के साथ, आई विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू लिसनर्स नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 7:06, तारीख है आज 27 अगस्त 2023 और दिन है आज रविवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज, और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काशी और प्रदेशवासियों को एक बार फिर विकास की सौगात देंगे। जी हां, सितंबर अंत तक काशी से प्रदेश के 60 अटल विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे, पूर्वांचल के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे, साथ ही फुलवरिया 4 लेन को जनता को समर्पित करेंगे। नमोघाट के दूसरे और तीसरे फेज के काम का लोकार्पण संभव है। फुलवरिया 4 लेन का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, 4 लेन का ज्यादातर हिस्सा बनकर तैयार है, 1 लेन से वाहनों का आवागमन हो रहा है, 2री लेन पर कुछ काम बचा है। ये 4 लेन शहर के प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट जाना भी आसान हो जाएगा। दोनों लेन चालू होने के बाद जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही आईआईटी बीएचयू के भौतिकी विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक कुमार श्रीवास्तव जी सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग टीम में शामिल हैं। जी हाँ, डॉक्टर अभिषेक ने अंतरिक्ष मौसम प्रयोगों और भविष्यवाणी योजना ASWMP में
सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि रिमोट सेंसिंग और इनसीटू उपकरणों के साथ और हवा की उत्पत्ति सुपरसोनिक गति में इसके त्वरण अंतरिक्ष मौसम पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इसरो 2 सितंबर 2023 को L1 बिंदु पर आदित्य वन लॉन्च करेगा। इसके साथ ही अपने शहर में कल शाम को G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान भारतीय डाक विभाग ने संस्कृति कार्य समूह पर एक डाक टिकट जारी किया। जी हां, भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन के आयोजन के क्रम में वाराणसी के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक के दौरान इसे जारी किया गया। पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव जी ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी को डाक टिकटों का पहला सेट भेंट किया। जी किशन रेड्डी जी ने कहा कि ये डाक टिकट हमारी सांस्कृतिक भावना को मजबूत करेगा, साथ ही वैश्विक संबंधों को एक डोर में बांधने का संदेश भी देगा। इसके साथ ही अब जिले में 11 नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से ओवरलोड चल रहे विद्युत सब स्टेशन का लोड बांटा जाएगा। इससे बार बार ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं बिजली आपूर्ति सुचारू होगी। रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के दूसरे चरण में ये उपकेंद्र बनाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि नियार सलसमा के पास हरिबल्लमपुर, बसनी, रमना, बड़ी गैबी, चितरंजन पार्क, सीर गोवर्धन, तरना, पांडेपुर, आशापुर और सालारपुर में उपकेंद्र बनेंगे। एंड दैट्स अ रियली गुड न्यूज बनारस, क्योंकि वाकई पावर कट से ना दिमाग खराब हो जाता है। उपकेंद्रों में 5-5 MWA के 2-2 ट्रांसफार्मर प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में कल एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम वृहद वृक्षारोपण गोकुल धाम हरौआ में चलाया गया। जी हां, सुरेंद्र चौधरी पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज चंदौली के निर्देशन में एवं अनिल कुमार ब्रिज कमांडेड 95 बटालियन के देखरेख में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष एवं गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड अम्बेसडर अनिल कुमार सिंह के मिशन 1 करोड़ पौधे के तहत गोकुल धाम हरौआ में सुप्रसिद्ध कथावाचक शांतनु जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर वृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें रुद्राक्ष, अमरूद, आंवला, नींबू, इमली के पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सुप्रसिद्ध कथावाचक शांतनु जी महाराज। विशिष्ट अतिथि थे मयंकेश्वर शरण सिंह तिलोई, स्वास्थ्य राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राकेश प्रताप सिंह, गौरीगंज विधायक और सहायक कमांडेंट 95 बटालियन हनुमान सिंह जी। इस कार्यक्रम में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निरीक्षक विवेक राय एवं प्रवीण सिंह जी ने पूरी टीम के साथ प्रसिद्ध समाज सेवी नारायण सिंह, देवेंद्र सिंह, परवय ब्लॉक प्रमुख वरुण सिंह, सौरभ सिंह पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 27th ऑफ अगस्त। साल 1950 में टेलीविजन की दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन बीबीसी ने पहली बार स्थल आधारित सीधा प्रसारण किया। प्रसारण की योजना बनाने के लिए 2 महीने से भी ज्यादा का समय लगा। 2 घंटे का यह प्रसारण इंग्लिश चैनल के दूसरे छोर यानी फ्रांस से किया गया था। इसके अलावा 1962 में नासा ने मैरिनर 2 स्पेस मिशन लॉन्च किया। भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अलीराम मिलिट्री नर्सिंग सेवा की निदेशक साल 1976 को नियुक्त हुई। 1999 में सोनाली बैनर्जी भारत की प्रथम महिला मैरीन इंजीनियर बनी। इसके साथ ही 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद साल 2003 में मंगल पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंचा। अब बर्थडेज की बात की जाए बनारस, तो आज है भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली का जन्म। आज ही के दिन ईयर 1972 में ये पैदा हुए थे और आज ही के दिन 1976 में पार्श्व गायक मुकेश और 2006 में भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो पूरे आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से आपको दिल से नमन।
अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस, तो आज है नेशनल बनाना लवर्स डे। जी हाँ, वाह क्या बात है। वैसे केला खाने के ना बहुत सारे फायदे होते हैं। जी हाँ, इसमें बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज को कम करके डायबिटीज को नियंत्रण करने की क्षमता है। साथ ही इसमें एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबायल गुण और डिप्रेशन एंजाइटी को मैनेज करने में ये बहुत मदद करता है। तो आज के इस शुभ अवसर पर अब से अपनी डाइट में बनाना शामिल करना ना भूलें। So this was all about today's special events and history. हाँ जी, बनारस देखिए, पूर्वांचल में अपने बनारस को खेलों की नर्सरी भी कहते हैं। जिला, प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनारसी खिलाड़ियों का जादू सिर चढ़कर बोलता है। और आगामी 29 अगस्त को है नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो इस मौके पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारे बनारस की आन बान और शान इंटरनेशनल एथलीट नीलू मिश्रा मैम। मैंने मैम से सवाल किया था कि आपके अनुसार आज अधिकांश एथलीटों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप अपनी एथलीट जिम्मेदारियों और अन्य बाहरी मनोरंजक और गैर मनोरंजक गतिविधियों का प्रबंधन कैसे करती है। तो मैम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट। सभी देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक एथलीट होने के नाते मैंने अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए खेल में अपने प्रदर्शन को अच्छा रखा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपके सामने कैरियर का चैलेंज होता है कि कैरियर के रूप में आप खेलते हो, लेकिन मैं एक मास्टर्स एथलीट हूँ, यानी कि शादी और बच्चा, जॉब होने के बाद 35 प्लस एज ग्रुप में खेल की शुरुआत करना, और वर्तमान में मैं 50 प्लस एज ग्रुप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जब हम यंग एज में खेलते हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, लेकिन महिला होने के नाते शादी, बच्चा होना, उसके बाद अपने प्रोफेशनल कैरियर को देखना, फैमिली की जिम्मेदारी को देखना, और जैसा कि मेरे साथ बहुत सारी बीमारियाँ थी, बीमारियों के साथ चैलेंज लेते हुए ट्रैक मैदान में अपने आप को लाना, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हेल्थ को भी देखना है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है कि कैसे अपने टाइम को, कहते हैं समय चुराना। बहुत सारी महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि आप स्पोर्ट्स में आओ, कहते टाइम नहीं है, लेकिन टाइम से टाइम चुराना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये सबके बस की बात नहीं है। जो डेडिकेटेड होगा, जो पैशन जिसके अंदर होगा, वो वही कर सकते। तो मेरी सबसे बड़ी यही चुनौती थी कि सारी चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी मैं काम कर रही हूँ, चाहे मतदाता जागरूकता, बेटी बचाओ, स्वच्छता का भी मैंने बहुत दिनों तक काम किया है, तो ये सब भी जिम्मेदारियाँ मेरी पर्सनल लाइफ के अलावा थी। तो ये सब और ट्रैक पे 6 घंटे टाइम दे करके पसीना बहाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है जो सबके बस का नहीं है। उसको मैंने तोड़ा है और उस अचीवमेंट को मैंने करके दिखाया है, चाहे वर्ल्ड लेवल की बात करें, चाहे एशिया लेवल पे। बहुत सारे मैंने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, वर्ल्ड में भी मेडल जीता है, इंडिया के बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इंडिया में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये एक खिलाड़ी के साथ होता है कि अगर आप जिद्दी हैं, आपके अंदर किसी लक्ष्य को पाने की चाहत है, तो वो कर लेता है। एक सवाल आपने पूछा कि जैसे कि मनोरंजक गैर मनोरंजक गतिविधियों को कैसे प्रबंधन करते हैं, तो लाइफ में हर चीज़ होना चाहिए, कोई एक टारगेट नहीं होना चाहिए कि हम उसी के पीछे भाग रहे करते हैं। अब जब डिफरेंट चीज़ें अपने मूड्स को चेंज करेंगे तो ना काम में क्वालिटी अच्छी आती है, चाहे वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम देना होता है, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ में जाना है, चाहे स्लम एरिया में जाके काम करना होता है, स्कूल में बच्चों के बीच में जाके करना होता है। तो एक मैनेजमेंट पावर आपके अंदर होना चाहिए कि हम हर चीज़ कर लें। जैसे घर में महिलाओं को अगर बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज कर लो, तो बोलते हैं नहीं, घर का काम ही नहीं ख़त्म होता है, हम एक्सरसाइज तो मेरा हो जाता है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगी कि आप देखते हैं मंडी में लोग बोझा उठाने वाले बहुत सारे होते हैं, 1 क्विंटल का बोझा उठाते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं कहलाते। लेकिन वही 1 क्विंटल आप जिम में जा करके मेहनत करके प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम में आकर के उठाते हैं, तो आप एक अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं और अपने देश के लिए भी मेडल जीतते हैं। तो यही फ़र्क होता है कि घर का काम और एक प्रॉपर तरीके से जो वर्कआउट होता है, बॉडी टोन करना, उसके लिए तो आपको प्रॉपर तरीके से करना ही पड़ेगा। कहते सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो मैंने अभी तक सीखा ही है। आजकल तो नेट का ज़माना है, तो दुनिया में बहुत सारी नए नए टेक्निक्स आ रही, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, नए नए लोगों के अनुभव हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के, तो वो भी देख करके हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं। कहते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करो, मिसयूज़ मत करो। तो यूथ को तो यही करना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया अगर आपके हाथ में है, दुनिया मुट्ठी में है, तो उस मुट्ठी को
आप अच्छे से प्रयोग करो और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सबको पता होनी चाहिए ताकि हम अपने प्रदर्शन को बहुत अच्छा कर सकें। खेल दिवस पे यही सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप फिट हैं तभी हिट हैं, अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आपकी कोई पहचान नहीं है। फिटनेस ज़रूरी है और महिलाओं से यही कहना है कि आप अगर फिट हैं तो आपके परिवार का ध्यान, आप कहते हैं ना महिला पूरे घर की धुरी होती है, तो महिला का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो घर को भी स्वस्थ रख पाएंगे। और बच्चों को खेल के मैदान में ज़रूर ले जाएं, उनको टाइम दें कि अब वक्त आ गया है, हमको स्पोर्ट्स कल्चर घर घर लाना है। खेल दिवस पे प्रण लें कि हम अपने बच्चों के साथ खुद भी खेलेंगे और उनको भी खेल में लाने के लिए मोटिवेट करेंगे, तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ेगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच नीलू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी वुमन इन द वर्ल्ड। सो बनारस, आज तो संडे है तो क्या प्लानिंग है आज की? वैसे तो गंगा की पवित्र बस्ती है जहाँ, दिलों को छू लेने वाली प्रकृति है जहाँ, इसे दुनिया का सबसे पुराना शहर कहो या काशी, बनारस या वाराणसी, पर्यटकों को घूमने का एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देता है। हिल स्टेशन से लेकर बीच तक, शहर की लंबी इमारतों से लेकर महंगे शॉपिंग मॉल्स तक, आपने बहुत कुछ देखा होगा लेकिन इस शहर की ना बात ही अलग है। पान जमाने और चाय लड़ाने वाले इस शहर में हर तरफ सुंदरता झलकती है। और भैया बनारस आए और कचौड़ी जलेबी नहीं खाई तो मतलब आपने कुछ नहीं खाया। तो बस आज संडे की शुरुआत गर्मा गर्म कचौड़ी सब्जी और जलेबी के साथ करिए। और हाँ, ये सब तो ठीक है, पर आज दिन में 11 बजे से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साझा करेंगे अपने मन की बात, तो सुनना मत भूलिएगा। और अब बस बनारस मेरे जाने का वक्त हो गया है, मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुनाओ, दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जाने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।